जय माता दी। जय आप माता देख दी। रहे हैं नमस्कार। द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर दिन हम आपकी मुलाकात एक नए शख्सियत के साथ कराते हैं, उनके जीवन के बारे में बात करने के लिए और कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए। उसी सिलसिले में आज द राइट कन्वर्सेशन में हमारे बीच में है शुभन किशन कौल जी। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राइट न्यूज में। नमस्कार। हाँ सर, सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इस योग्य समझा कि आपने दो बार मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट जानना चाहा अबाउट वेरियस इश्यूज, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग कश्मीर। और मैं आपका जो टीआरएन चैनल है, इसमें जो भी आप बड़े बड़े जो लोग हैं, शख्सियत है, जो पर्सनैलिटीज हैं, उनका सुनता हूँ हर हमेशा। हाल तो हम इतने डिस्टेंस पे हैं, आप जम्मू में, हम बॉम्बे में, बट आई एम ए रेगुलर लिसनर ऑफ योर चैनल। जी, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि शुभन किशन कौल जी ने जो इनका इनका जीवन रहा उसमें ही सर्व्ड एज ए लीगल एडवाइजर इन सिकोप, सर्व्ड इन दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एज डिप्टी मैनेजर लीगल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट जेएनपीटी एंड सेक्रेटरी टू द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ पोर्ट, फंक्शनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ जेएनपीटी। बहुत बड़ी बात है, पर्टिकुलरली अगर कम्युनिटी की बात करें तो हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप इस लेवल पे आपने काम किया है हमारी कम्युनिटी में, बिलोंगिंग टू आवर कम्युनिटी। और ये साथ साथ ही वोमेद, जो सबको पता है कि वोमेद थिएटर ग्रुप जो है, कल्चर ग्रुप है, उसके एडवाइजर भी हैं। तो स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे लोग, शख्सियत होती हैं कि जो बिना अपना अपने अपना प्रचार किए ही बहुत सारा काम करते हैं। उनमें से एक शख्स है हमारे एस के कोल जी, जिन्होंने बहुत सारा कम्युनिटी कॉज के लिए आ गया है और इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है कम्युनिटी कॉज के लिए, लेकिन बहुत ही साइलेंट ही रहे हैं। इन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया और बहुत कम ये सामने आए हैं। जैसा कि खुद आप जानते हैं, सबके सिर्फ दो बार ये हमारे बीच आए हैं। तो सर, सबसे पहले हमें थोड़ा सा आपके करियर के बारे में, प्रोफेशनल करियर के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। सी रोहित जी, मैं बेसिकली कश्मीर से, अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। अनंतनाग जेएमके का उस टाइम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, टाउन था। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज द पोजीशन, बिकॉज मैं कम से कम कश्मीर से 83 से बाहर हूँ। मैंने बेसिक एजुकेशन जो है वो अनंतनाग अपने टाउन में ही किया है, और कॉलेज भी मेरा वहाँ से ही हुआ है। जी तो फिर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी, मैंने 1976 में मैंने LLB प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1981। इनिशियली मैंने चाहा, मेरी बहुत डिजायर थी कि मैं प्रैक्टिस करूँ, लीगल प्रैक्टिशनर बनूँ। तो अपने ही टाउन में कोर्ट थे, लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत मेरा कैरियर जो ऑप्शंस थे कुछ लिमिटेड थे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एडवोकेट का एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो एक चैनलाइज्ड प्रोफेशन है। चैनलाइज्ड प्रोफेशन बाय आई मीन कि दैट उनका कोई ना कोई पीछे कोई सपोर्ट होना चाहिए, या तो उसके फादर का, ग्रैंडफादर का, फैमिली का। मुझे लगा पर्सनली, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल है कि दैट, लेकिन टू स्टार्ट विद वो जरूरी था, वो इम्पोर्टेंट था कि जो मेरे पास नहीं था। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग सम जॉब जो कि उस टाइम मेरे लिए बहुत जरूरी था। एक फैमिली की डिमांड भी थी और अपना कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी था। देन आई ज्वाइन सिकॉप एज देयर लीगल एडवाइजर इन द लीगल डिपार्टमेंट, एंड आई सर्वड इन द सिकॉप फ्रॉम 1981 टू 1983। तो तब फर्दर मेरी कुछ एम्बिशन रहा, मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा करना चाहिए, अपने कैरियर को थोड़ा शेपन करना चाहिए। तो फिर मैंने सेंट्रल लीगल सर्विस का एक एक एग्ज़ाम था, वो मैं अपेयर हुआ दिल्ली में, एंड वो एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया। तो एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट है, जो कि हर स्टेट में एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जैसे जेएनके में भी है जेएनके स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ऐसे ही सेंट्रल यूटीज की एक हुआ करती थी, दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एंड आई वाज सिलेक्टेड एज
डिप्टी मैनेजर लीगल फॉर दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड आई वॉज पोस्टेड इन चंडीगढ़. सो देयर आई सर्वड इन चंडीगढ़ फ्रॉम 1983 टू 91. इन बिटवीन उन दिनों एक ये ऐसा एक पोर्टल एक मैगजीन निकलता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज, आप तब तो छोटे थे, उसको मैंने देखा कि मैं फिर भी कुछ ज्यादा एम्बिशियस था, तो मैंने फिर मैं देखता था कि फर्दर मेरा कैरियर कैसे आगे बढ़े लीगल. तो फिर मैंने देखा एक बार कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जवाहरलाल नेहरू पोर्टल्स जो एक नया पोर्ट बना था कि एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उनको लीगल प्रोफेशनल्स की जरूरत थी, तो मैंने अप्लाई किया. तो भगवान की ब्लेसिंग थी तो आई वॉज सिलेक्टेड इन द लीगल डिपार्टमेंट एज डिप्टी मैनेजर लीगल. वैसे तो वो मैनेजर लीगल का पोस्ट था बट दैट टाइम दे टोल्ड मी कि दैट वी विल सी योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस कैसे रहेगी. तो उन्होंने मुझे इंस्टेड ऑफ मैनेजर लीगल डिप्टी मैनेजर लीगल ही अपॉइंट किया और मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में किया, बॉम्बे में नहीं नई बॉम्बे जैसे न्यू बॉम्बे मेरा मैंने ज्वाइन किया एंड इट वॉज एंटायरली ए न्यू फील्ड फॉर मी. तो यहाँ फिर मैं 91 जुलाई 91 से टिल माय रिटायरमेंट आई वाज सर्विंग हियर. तो 90 या रोजी तो यहाँ फिर आफ्टर ए पोर्ट एक्सपेंशन का था एज आई वाज टेलिंग यू कि दैट वी होल कंट्री नॉट जेएनके वी होल कंट्री शुड बी प्राउड एंड आई एम माइसेल्फ फीलिंग प्राउड इन टेलिंग यू कि दैट ये कंट्री का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है कि जहाँ पर इंडिया का 60% जो हमारा कार्गो है कंटेनराइज्ड कार्गो जो है वो एक्सपोर्ट से जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है. तो इसमें एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा स्कोप था. तो उस एक्सपेंशन के स्कोप में उस स्कोप का मुझे बहुत फायदा मिला. तो मुझे धीरे 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 एक कैरियर प्रमोशन मिल गया. देन मैं एस्टेट का भी हेड बन गया. देन मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी बना दिया गया. एडमिनिस्ट्रेशन हेड में कम से कम आई वॉज कंट्रोलिंग 14 डिपार्टमेंट्स के, जिसमें हॉस्पिटल भी आता था और एस्टेट भी आ जाता था. तो और जिसमें देन फिर जब उन्होंने परफॉर्मेंस जज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने, देन आई वॉज मेड सेक्रेटरी टू दी बोर्ड ऑल्सो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. जैसे कंपनी में कंपनी डायरेक्टर्स होते हैं तो एक ट्रस्ट रूम में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं जो गवर्नमेंट के ट्रस्टीज होते हैं. तो आई वॉज मेड सेक्रेटरी टू दैट बोर्ड. दिस इज माई राइट बहुत ही खूब. इतना बड़ा इलस्ट्रेटस कैरियर नहीं है पर छोटा सा जो भी मैंने अचीव किया. बहुत बढ़िया करियर है आपका, आपने बहुत कुछ किया है. हमें ये बताइए कि जो केपी ग्रुप्स जो मुंबई में है उनके साथ रह के अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपने क्या क्या कार्य किए हैं, वो बात लोगों तक पहुंचे. रोहित जी सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, मुझे पता नहीं कि दैट आपको शायद, क्योंकि हम कश्मीर में हम अनंतनाग, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा जी जो होम टाउन है अनंतनाग है. हमारा एक सेंटर है कि जिसको जैसे श्रीनगर में गणपत यार है, शीतलनाथ है, इसी तरह हमारा जो अनंतनाग में है नागबल है जो है. तो हमें एक बचपन से ही एक ट्रेनिंग मिलती थी सब जो भी हमारे कम्युनिटी के यंगस्टर्स थे. तो हमें ये कम्युनिटी का एक सेपरेट एक ऐसा कम्युनिटी सर्विस कैसे किया जाता है एक मिला था, ट्रेनिंग ही मिली थी बचपन से. तो ये मैंने चंडीगढ़ से ही थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारी जो एंटायर कम्युनिटी एक बड़े टर्माइल से गुजर गई. तो चंडीगढ़ में मैंने जब मैं सर्व कर रहा था तो वहाँ पर भी कम्युनिटी अफेयर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया. और सबसे पहले हमने वहाँ पर एक भवन बना दिया चंडीगढ़ में. अभी भी पता नहीं वेदर यू हैड गॉन टू चंडीगढ़, दिस इज कश्मीरी भवन जो सेक्टर 24 में है. वो एक ओपन प्लॉट ऑफ लैंड था तो कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ नहीं थी. जो मेरे एल्डर्स थे वहाँ पर जैसे आर के जिची श्री बी एल साधु, जिनकी अभी आप जरूर जानते होंगे उनको, कि वो बहुत एनजीओ बड़े चलाते थे, वो भी थे. और बहुत सारे हेमा मदान थी, बहुत सारे. तो हम मिल के हमने फिर काम किया एंड वहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत एज मिला. आई वॉज विद दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. हम इंडस्ट्रियल हाउसेस को लोन देते थे, होटल्स को लोन देते थे, जिससे मेरा एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ हुआ. बड़े बड़े
तो वो थोड़ा बहुत मैंने अपनी कम्युनिटी के फेवर में लिया, तो हमने फिर कहा कि हम ये भवन बनाएंगे, तो वो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द भवन। और मुझे ये आपको कह के बड़ी खुशी हुई है कि ऑल्दो व्हेन आई लेफ्ट चंडीगढ़ दैट टाइम इट वाज अ वन स्टोरी भवन ओनली, नाउ इट इज अ थ्री स्टोरी लेजिट भवन और बहुत अच्छा काम कर रहे। तो वहां से फिर जब मैं यहाँ आया तो नई बॉम्बे एक एलिनेटेड एरिया था जहाँ मेरा पोर्ट था, जहाँ मेरी सर्विस थी। ये एक कंटोनमेंट एरिया, जैसे जैसे श्रीनगर में बादामी बाग है जहाँ लोगों का एक तो मैं ज्यादा लोगों के साथ बॉम्बे में जो हमारे कश्मीरी कम्युनिटी के पंडित लोग हैं उनके संपर्क में ज्यादा नहीं रहा। तो थोड़ा मैंने फिर कहा कि मैंने कोशिश की, तो मैं फिर यहाँ पर हमारा अंधेरी में एक कश्मीर कश्यप भवन है, तो एक बार मैं यहाँ हर साल शिवरात्रि से पहले एक महीने पहले यहाँ के जो हमारे भाई लोग हैं जो हमारे कम्युनिटी ब्रदर्स एक हवन करते हैं, तो मैं भी एक हवन में गया। वहाँ में मुझे मिला एक दो चार हमारे कश्मीरी जो मेरे एल्डर्स थे मिले, तो मुझे लगा कि जगह वहाँ बहुत कम है। तो मैंने बात की तो वो एक हमारे जो आप जानते हैं मिस्टर अशोक पंडित के जो फादर थे श्री अनंत पंडित, उन्होंने मुझे बताया कहा कि हमने बहुत पहले अप्लाई किया है जगह के लिए लेकिन नहीं मिल रहा है। उन दिनों सिडको जो यहाँ पर एक रियल एस्टेट अथॉरिटी थी वो नहीं थी, उन दिनों उन्होंने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अप्लाई किया था। फॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि जो हमारा चेयरमैन हुआ करता था जो JNPT का जवाब, वो बाय वर्चू ऑफिस ऑफिस वो सिडको बोर्ड में होता था बाय वर्चू ऑफिस जो लैंड अलॉट करते थे। तो मैंने फिर उनसे बात की, मैंने कहा कि हमारी प्रॉब्लम ऐसे है कि हमारी जगह कम है और लोग माइग्रेट होके आए हैं, पलायन करके आ गए हैं कश्मीर से, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, फिर उन्होंने मुझे बताया आप लोग अप्लाई कर लो और सिडकों का जो बोर्ड है फेस अथॉरिटी है तो हम उनको कहेंगे आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। और मुझे ये कह के आपको बहुत तो खुशी हो जाती है, हमने अप्लाई किया और हमें करीबन 700 स्क्वायर मीटर प्लॉट मिल गया कि जो खारगर है जो बहुत बड़ा अपकमिंग टाउन आ रहा है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही हमें लैंड मिल गई जिसका उस वक्त कॉस्ट कम से कम 4-5 करोड़ का था, 7 करोड़ का था, वो हमें कुछ 7-8 लाख में मिल गया हमें ऑन ए चैरिटेबल बेसिस पे हमें। देन वे जो हमारे बाकी यहाँ के जो कम्युनिटी ब्रदर्स थे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, लेचे एमएन मोटो काक साहब और बहुत सारे जो हमारे ब्रदर्स थे, उन्होंने हमने कलेक्टिव एफर्ट्स करके यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा जो भवन बना दिया है, जो एक बहुत एक ब्यूटीफुल भवन बन गया है सब के एफर्ट से, नॉट ओनली माय एफर्ट से, तो उसका मैं क्रेडिट खुद ही नहीं ले जाता, वी ऑल वर्कर पार्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग दैट। जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुंबई जैसे शहर में जब ये जम्मू से केपी जाते हैं या वहाँ पे रहने के लिए या इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए उनके रहने की जगह नहीं होती, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ उनको कुछ समय के लिए एटलीस्ट ठिकाना मिल जाता है। हमने वहाँ लोगों से बनाए हैं कि जब जी भी हॉस्टल में, क्योंकि बॉम्बे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली या अगर किसी का यहाँ पर जो है टाटा इंस्टीट्यूट है, टाटा में कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जब कभी तो ये हमने रूम्स भी बनाए हैं कि जो हम अपने कम्युनिटी ब्रदर जो भी जिसको भी जरूरत होता है वो अलॉट करते हैं। और ये रेगुलरली हर साल हमारा एक हवन का फंक्शन तो होता ही है और भी ऐसे कुछ सोशल कल्चरल जो प्रोग्राम्स वो उस भवन में होते हैं, एंड इट इज कम आउट जो कि माननीय उद्धव ठाकरे जी ने इनॉग्रेट किया है उस भवन, और यहाँ के लोकल प्रशासन हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं उसमें। जी जी आप बहुत ही बड़े सपोर्टर रहे हैं केपी कल्चर को प्रिजर्वेशन करने के लिए, आप क्यों समझते हैं कि ये इजाद बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा करना बहुत जरूरी है आज के समय में? सी वो बहुत जरूरी सी रोहित जी, आपको पता है कि दैट वी हैव ऑल सफर, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक ट्रुथ को आप समझना है कि जो एक सच्चाई है कि अब हमें किसी न किसी मीटिंग पॉइंट पे आना है, क्योंकि नाउ वी कैन नॉट प्रोलोंग दीज थिंग्स, क्योंकि अब हमारी जो जनरेशन थी हमने तो देख ले जो हमारे जैसे पेरेंट्स थे, मुझे जहाँ तक लग रहा है 80-90% स्वर्गवास हो गए सभी। अब जो हमारी जनरेशन है जिसने ये सारा
जो जितने भी डिफिकल्टी है ये देख लिया है हमने, और हम भी अब उस एज पे आए हैं कि ऑलमोस्ट ऑल 80-90% रिटायरमेंट के एज पे आ गए हैं, सीनियर सिटीजन बन गए, लेकिन वी डोंट वांट टू कीप एनी लीगेसी बिहाइंड कि जो एक ऐसा हो कि एक मीटिंग पॉइंट ही ना बने, कि एक एक थोड़ा सा आपस में फिर वो दरार सी बने। मैंने देखा है कि खासतौर पर आप लोगों का ये दो TRN चैनल आप लोगों ने अभी स्टार्ट किए हैं, जो आप लोगों का पहले जो ग्रुप था जिसमें आप डिबेट ड्रामाज एंड, मैं उन दिनों भी जबकि हालात बहुत इतने कंड्यूसिव नहीं थे, जबकि हर टाइप एक फ्रस्ट्रेशन थी, तब भी आप लोगों ने इस ब्रदरहुड को ट्राई किया कि इसको हम रखें। मैंने मुझे याद है कि आज से कम इफ आई एम राइट करेक्टली कि आप लोगों ने टाइगर थिएटर में कम से कम 2-3 आप लोगों ने प्ले की है, कि जिसका कॉमन एक थीम यही होता था कि एक जो हमारी जो अपनी कश्मीरियत है, जहां पर हम जिसमें आल्दो आप लोग दोनों ब्रदर्स रोहित और राकेश बहुत छोटे हो आप लोग, लेकिन आप लोगों ने जो इनहेरिट किया है, अपने पेरेंट्स से सुना है, हिस्ट्री बुक्स को पढ़े, उसको आगे लाया है, आप लोगों ने बहुत एक कोशिश की है, एक मोमेंट को स्टार्ट किया है। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा था, मैं आपके ब्रदर को भी पर्सनली बताता कि ये बहुत एक इट्स अ राइट स्टेप टुवर्ड्स अ राइट, एक गवर्नमेंट का भी एम यही है, कोई भी गवर्नमेंट आप किसी भी ग्लोबल प्लेनेट पे देखो कि कोई भी गवर्नमेंट अनरेस्ट नहीं चाहती। आप देखो, अगर आप देखोगे पूरे ग्लोब में ऐसा वातावरण किसी न किसी जगह हो रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी नेशन पे उसने किसी न किसी रेस को ये सैक्रिफाइस देना ही पड़ता है। तो आप समझो हमने तो दिया है, वी हैव बीन थ्रोन आउट। हम अब मुझे जहां तक लग रहा है, जिसमें पर्सनल व्यू, प्लीज इसको जनरलाइज ना कहिए, मेरी पर्सनल व्यू है, अब मैं देख रहा हूँ कुछ 2-3 साल से आप जैसे ग्रुप से, उधर से भी कोई ग्रुप है, एक फीलिंग आई है, एक ऐसा आया है कि बहुत गलत हुआ है। अब इस मौके को हमें गंवाना नहीं है, अगर हम उसी चीज को अब रट लगा देंगे, आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम हुई, मेरी फैमिली, हजारों फैमिली, अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उस फैमिली से अछूता रहा, तो सबों की फैमिली में प्रॉब्लम है। अब ना कोई मीटिंग पॉइंट तो आना ही चाहिए, किसी ना किसी मीटिंग प्लेस पे हमें मिलना है, ताकि जो हमारी जो अब नेक्स्ट जनरेशन है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर एक एनिमिटी ना हो, जहाँ पर है। और जो अभी आप गवर्नमेंट के मोदी जी के जो आर्टिकल 370 हटा की अमेंडमेंट्स हुए, इट इज आल्सो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, वो भी गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप जो, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप चाहे कुछ भी कहो कि दैट हमारा जो एक डिफरेंट ही एक कल्चर है, एक डिफरेंट ही एक अपब्रिंगिंग है, एक डिफरेंट ही एक DNA है जो इनहेरिटेंस से मिला है। अब आपको इनहेरिटेंस कौन सी है, वहां की मिट्टी से हमें मिला है। कल ही मैंने देखा एक फेसबुक पोस्ट बड़ा वायरल हुआ है कि हमारे कश्मीर के अनंतनाग के ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है श्री बी एल बाय, उन्होंने एक पोस्ट किया है एक माता जी का कि जो हमारी मोले की थी, जिससे अपना ही सचमुच उसका जो वेदना थी हार्ट बता दिया, उसका देखो कितना रिस्पॉन्स आया मेजोरिटी कम्युनिटी का, बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी मेजोरिटी की, दैट मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे एक ऐसी अब फीलिंग आ रही है कि अब बोथ कम्युनिटी चाहते हैं कि हम जो पहले का वातावरण था, एक पहले का जो माहौल था, एटमॉस्फेयर, वो फिर से ऐसा बने। और मुझे जहां तक लग रहा है कि जो हमारे कश्मीरी ब्रदर्स मुस्लिम, उनको भी अब लगा है कि एक बहुत गलत हुआ है, एक ऐसे डोसाइल माइक्रोस्कोपिक एक फ्रेंडली एक कम्युनिटी के साथ, मुझे लग रहा है वो एहसास हुआ है, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए, मेरा ये पर्सनल फीलिंग है। पर आप लोगों में मदद करनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक आप लोग बहुत फोर्स हो, देखो मीडिया जो है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है, ये मेन सोर्स है, मेरा इंडिविजुअल में कहने से क्या फर्क पड़ता है, अगर आप मुझे आज अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो मैं किसको बताता ये अपनी बात। जी जी, इसलिए आप लोगों का बहुत उसमें रोल हो सकता है, आपको उसमें क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा, पीपल मे नॉट डिस लाइक दिस, लेकिन ट्रुथ को तो किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी ना कभी तो शुरुआत होनी चाहिए, शुरुआत तो बिगिनिंग तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक सवाल बनता है कि
जो रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपका व्यू पॉइंट क्या है? रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी से गवर्नमेंट, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास, देखो एक चीज आपको मानना पड़ेगा रोहित जी, गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक गवर्नमेंट एक चलाना, जहां फैमिली जब आप चलाते हैं जो चार मेंबर्स की फैमिली है, जब वो चलाने में हमें डिफिकल्टी फील होती है, गवर्नमेंट चलाना एक इससे लगभग, खासतौर पर इस वक्त इंडिया में जो इंटरनल हालात है, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट चलाना एक बहुत बड़ा एक टफ भी है। अब हम ये कहेंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट हमारे ही बारे में सोचे भागे, तो ये तो एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन है, ये पॉसिबल नहीं होगा। गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट होती है, गवर्नमेंट का कोई अपना ना धर्म होता है ना कुछ होता है, उनको एक वेलफेयर मेजर है, पर्सनली दे कैन प्रोफेस प्रीच कोई भी वो, बट दे कैन नॉट डू अ थिंग कि जो सिर्फ आप है, बट ये जरूरी है क्योंकि वो हैव बीन थ्रोन आउट, उनको हमारे जो बारे में ज्यादा सोचना है, बिकॉज जो हमारे ब्रदर्स वहां पे वो तो वहां ही है, हमारे लिए तो हम तो बाहर है, तो हमारे हमें एक एक्स्ट्रा हमारी लेवरेज मिलनी चाहिए, बट वो एक्स्ट्रा लेवरेज ऐसे नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, जो उनको नाराज करके ये करके फिर तो ये जो उनकी एक रिहेबिलिटेशन प्लान है या जो वो सोच रहे हैं, तो फिर पूरा ही नहीं होगा। और कोई भी ऐसा रिहेबिलिटेशन प्लान या जो मूवमेंट हो, अनलेस उसका सपोर्ट लोगों का मिले, तो वो सक्सेसफुली नहीं होगा। अब हमारा सपोर्ट ही पॉसिबल नहीं है, मेजोरिटी का जब तक सपोर्ट नहीं होगा, देखो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको स्वीकृति, अब आपको हर घर में स्वीकृति दे नहीं सकते हैं, जब तक मेजोरिटी कम्युनिटी के दिल में वो भावना नहीं उत्पन्न होगी, वो ये नहीं समझेंगे कि ये हमारे ब्रदर्स थे, वो हमें ओपन आर्म से वेलकम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का कोई भी एफर्ट अगर होगा, बाय फोर्स ही नहीं कर सकते, मेरा ये बाय फोर्स नहीं हो पाएगा। और वो भावना उजागर करनी है, उसको डेवलप करना है, वो कैसे होगी, वो ऐसे ही होगी पीपल टू पीपल। जैसे कल मैं बहुत खुश हुआ, श्री बृजलाल जी भट्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत बहुत हमारी एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है टाउन की, उन्होंने जैसे पोस्ट ये वायरल किया, उसका बहुत एक अच्छा मैसेज गया, बहुत ही अच्छा मैसेज गया। और सिमिलरली मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ रोहित, कि आप लोग भी ऐसे मैसेज स्प्रेड करो, ताकि एक एटमोसफियर, एक कंड्यूसिव एटमोसफियर बने, सो दैट विच विल बी सेफ रिटर्न कहूँ, सेफ रिटर्न गवर्नमेंट के हेल्प से नहीं होगा, गवर्नमेंट तो बैंड, सेफ रिटर्न होगा मेजॉरिटी कम्युनिटी जब तक हमें ओपन हार्टेडली वेलकम नहीं करता, तब तक सेफ रिटर्न पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो फेयर एलिमेंट है, चाहे आप कुछ भी कहो, गवर्नमेंट कुछ भी कहेगा तो वो पॉसिबल नहीं, वो पॉसिबल नहीं। आप केपी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो यूथ एक है जिसे प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत है आज की डेट में, उसके लिए क्या मैसेज होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों से जो हमें मिला है, अब वो राइट है या रॉन्ग है, अब उसको एक गलत दिशा में लोग समझते हैं, हम डेफिनेटली डोसाइल कम्युनिटी है, उसको मैं डोसाइल नहीं वर्ड देना चाहता हूं। हमारे संस्कार जो है, अगर आप देखा जाए कि जो डीएनए में जो मिलता है, इसका इफेक्ट ट्रिलियंस ऑफ इयर्स होता है। अब आप देखो, आप एग्जांपल ले लो, आप अफ्रीकन जो है, अगर अफ्रीकन इंडिया में आएगा, उसकी अगर 100 रेसे भी अफ्रीकन ही होगी, वो बाल उगड़े हुए होंगे उनकी शक्ल। इसी तरह जो भी हमें इनहेरिटेंस से संस्कार मिले हैं, कोई भी इनहेरिटेंस से मिला है अपने पूर्वजों से, वो हमें मिले हैं वो संस्कार, भाई आप अपने वचन पे रहो, आप अपने धर्म पे रहो, डोसाइल रहो किसी के, डोसाइल मैंने जैसे आपको कहा, डोसाइल को गलत नहीं समझना आप, डोसाइल वर्ड को, तो आप लोग अपना व्यवहार ठीक रहो, जो बेसिक प्रिंसिपल्स करेक्टर के हैं उनसे आप रहो। तो मैं आजकल देखता हूं कि जो यूथ में जो एक एक बेचैनी सी जो है, एक एक जो एक वोलेटाइल एटीट्यूड है, एक वोलेटाइल बिहेवियर है, उसको चेंज करना पड़ेगा। देखो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो यूथ्स आगे आ रहा है, हम हर फील्ड में आगे आ रहे हैं। अभी हमारी एक कश्मीरी लड़की अंकिता रैना, देखो उसने हमारा नाम फेमस किया है पूरे प्लेनेट पे, पूरे ग्लोब में, पूरे इंडिया में फेमस किया। तो ऐसे हमारे यूथ्स उस फील्ड में आगे आए, एजुकेशन में आए, स्पोर्ट्स में आए, उसमें, लेकिन
एक वो एलिमेंट जो है जिसको एक वो कहते हैं जिद का एलिमेंट, एक जो होस्टाइल भावना का एलिमेंट न रखे, हुआ है उनके साथ तो बहुत, मैं मानता हूं उनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में उनकी एजुकेशन हुई है, लेकिन हुआ है, लेकिन अब उसको वो शेपन करें एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे बनने के लिए, क्योंकि वो हमें इनहेरिटेंस में हमें शोभा नहीं देता है, इट इज नॉट होल्डिंग अस गुड, कि दैट हम भी उसी लैंग्वेज में बात कर ले जिसमें एक एक कॉमन एक जो एक जिसको एक ठीक नहीं थे एक मैं कहना चाहता हूं कि हमें कोई ऐसा ना बताए कि हमारी कम्युनिटी में भी फ्रिंज एलिमेंट्स, कोई हमें ऐसा ना बताए, तो उसमें मैं कहता हूँ यूथ को बहुत एक ये हमें वो समझना पड़ेगा कि हम हर फील्ड में आए लेकिन अपने अपने जो हमें संस्कार मिले वो संस्कार इंटैक्ट जी 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 ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये तो हो सकता है कि ये उसको निभाने में बहुत डिफिकल्टी लगेगी, मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने उनको बताया ये कोई चीज डिफिकल्टी नहीं है, देखो जो आउटसाइड जो वहां पर है, खासतौर पर मैं बॉम्बे का बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं 91 में यहाँ, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस स्टेट में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रीड और सेक्स सब कुछ नहीं, यहाँ तो प्योर योर मेरिट योर परफॉर्मेंस वो मैटर करती है, कोई भी नहीं, मैं अपना मैं एक मामूली एक टाउन से आया हूँ, एक बहुत हम्बल फैमिली से आया हूँ, एक हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, और मैं जैसे आपको बताया मैं एक इंटरनेशनल पोर्ट का हेड रहा हूँ, और मैंने तो वो कैसे, मेरा कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई फोर फादर नहीं था, मेरा कोई ऐसा कोई जिसको कहते हैं कि देट कोई पुश नहीं था, कुछ नहीं, तो इफ आई हैव अचीव्ड लिटिल बिट देन यू विल अचीव मच मोर बाय देयर ओन जो हार्ड वर्क से टू रिमेन दिस थिंग, तो बट मैं आजकल देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत हमारे वो जो कम्युनिटी यूथ पे वो थोड़ा बहुत फिर से पनपना है, उसको फिर से रिबर्थ करना है। जी 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 रिबर्थ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। शिवन जी बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने यूथ के लिए, अभी एक एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, हर एक जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं उनसे ये सवाल पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से इन बातों का हल निकले, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को लेके, शायद आप इस बारे में जानते होंगे कि उनकी एकोमोडेशन को लेके, और उसके बाद बात करें तो अभी SO-194 को एक नया इशू क्रिएट हुआ है जिसमें 2 साल का उनको टाइम पीरियड है, प्रोविजनल पीरियड है जॉब का, साथ साथ में बेसिक सैलरी पे काम करना है, ऐसे मुद्दों को लेके, मतलब अगर सरकार सोचती है कि घर वापसी होगी तो क्या आपको लगता है कि दोनों चीजें यहाँ पे बातें दोनों बातें सामने आती हैं, एक तो वो यूथ जो वापस जाना चाहता है लेकिन वहां पे उसको इन चीजों को फेस करना पड़ता है, डिफिकल्टीज और ज्यादा फेस करनी पड़ती है, क्या इन डिफिकल्टीज को करने के बाद वो वापस जाना चाहेगा, और जो ये प्रॉब्लम्स है इन्हें सरकार इन बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? हाँ वो बहुत गलत है, गवर्नमेंट को मैं भी मुझे भी लग रहा है कि गवर्नमेंट ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है, कि दैट रादर उनको ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि देखो वो जो भी यूथ हमारा वहां जा रहा है देयर इज अ फेयर एलिमेंट ऑफ रिस्क तो है ही, और फेयर भी, इट इज नॉट रिस्क भी है फेयर भी, वो उस फेयर को छोड़ के वो रिस्क को लेके जा रहे, तो मुझे मेरा अगर चलता या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट उनको रादर 10% 15% एक्स्ट्रा देना चाहिए, दैट इज वन जहां पर एक इकोनॉमिक्स आती, और सेकेंडली उनका एक रहने का जो एक एनवायरमेंट ऐसा बन जहां फियर होगा ही नहीं, जहां कुछ भी फियर नहीं हो, और उनको एक अच्छी एक जिंदगी, ताकि बिकॉज दैट विल कैप्चर मोर यूथ्स टू गो, अदरवाइज ये मैसेज जाते हैं जो हमारे कश्मीरी पंडित यूथ है, कोई यही मैसेज नहीं है कि दैट दे आर नॉट गिविंग अस, तो कोई जाएगा नहीं, तो गवर्नमेंट का जो ये एम है ये जो स्टेप है रिहेब जो वापस भेजने वो तो होगा ही नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, When I was heading the industrial relations of the port. आपके पास टाइम है प्लीज मैं बिल्कुल। I was heading the industrial relations of the port. तो मैंने देखा कि ये जो पोर्ट बना था तो हमने करीबन 2500 हेक्टर्स, मैं आपको बताऊंगा 2500 हेक्टर्स मीन्स पूरा अनंतनाग पूरा टाउन और उसके आसपास में गांव वो हमने एक्वायर किया था,
अब जो हमारे बेचारे यहाँ जिनका हमने लैंड एक्वायर किया था, उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे कुछ कि भाई हम लैंड लेंगे, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे आप लोगों से, तो वो पूरा हुआ नहीं, वो किया नहीं गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या हुआ कि एक अनरेस्ट हुआ इस एरिया में। एंड मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ कि आई वॉज हेडिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, तो वो उसका जितना भी ऑनस्लॉट आया वो मेरे ऊपर आ गया, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई। तो मैंने भी पढ़े, मैंने पीछे डॉक्यूमेंट्स पढ़े क्या था क्या ना, मुझे भी लगा कि कुछ ना कुछ वी आर लैकिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होता है, मैं आपको, गवर्नमेंट इज नथिंग, गवर्नमेंट हम ही है जो हम जो बैठे हैं, जो आप हमें बाबू कहो ब्यूरोक्रेट कहो कुछ भी कहो, हम ही चलाते हैं। हमें गवर्नमेंट को एक राइट पोजिशन बतानी पड़ती है कि जो आजकल कम बताते हैं क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है जो नहीं ले। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ कुछ जो प्रोमिसेस किए थे गवर्नमेंट को पूरे हुए नहीं, इसीलिए तो इतना इंडिसिप्लिन हुआ है, स्ट्राइक्स होते हैं, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, हॉस्टाइलिटी है टुवर्ड्स अस, ये क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है टिस जिसको कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस एंड रिसर्च, मैंने पहले एक सोशो इकोनॉमिक एक उनको एक प्रोजेक्ट दिया। मैंने कहा मुझे इस पूरे 14 विलेजेस दे, इस 14 विलेजेस का मुझे सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट देके दी, हाँ उनको ये दे दी। उन्होंने मुझे दिया एक बहुत एक बड़ा विचित्र एक रिपोर्ट मेरे पास आ गया। एक घर में 4 आदमी एम्प्लॉय हुए थे, जबकि हमने कहा था हम एक खातेदार का जिसका हमने लैंड लिया है, सपोज अगर आप एक खातेदार हो आपकी लैंड लिया, आपको हम एक एम्प्लॉय आपके बेटे को अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट देंगे और इसी तरह हम सबको देंगे। हुआ क्या था कि एक खातेदार को किसी ऐसा हुआ कुछ कि एक आदमी जिसका लैंड लिया उसके 4 बेटे लगे, दूसरे का कोई लगा ही नहीं, तो वो तो एक आक्रोश हुआ। अरे भाई मैं सपोज किसी के 4 ब्रदर्स हैं जी, एक ब्रदर के 4 बेटे लग गए, दूसरे ब्रदर का कोई नहीं लगा एम्प्लॉयमेंट मिली, तो मैंने लगा, मैंने कहा ये तो सच है, ये तो हुआ ही, ये तो अब उन्होंने कैसे 4 ब्रदर्स का, दैट इज अ डिफरेंट इशू, उन्होंने कैसे किया, राइट दैट इज वन। सेकंड थिंग कि ये बेचारे बहुत थे, दे वर वेरी इलिटरेट, ये बहुत अच्छे थे, इनके पास लैंड थी ये का, तो मैंने फिर एक मैंने कहा अब एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, गवर्नमेंट करके नो एम्प्लॉयमेंट, फिर मैंने कहा इनको तो कुछ ना कुछ स्कीम तो बनानी पड़ेगी रिहेबिलिटेशन की, कि हमने तो प्रॉमिस किया है कुछ। फिर मैंने एक कोऑपरेटिव स्कीम डिवाइस की कि एक की जितने भी कोर्ट में कंट्रैक्ट निकलेंगे जिसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं होगा, कि जिसमें कोई ज्यादा टेक्निकल, वो हम इन्हीं लोगों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे 25-25 लोगों का, और उनको हमने जिसमें मैंने पहले भी बताया जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट है जैसे स्वीपिंग क्लीनिंग हाउसकीपिंग के का, उनको उस वक्त मिनिमम वेजेस जैसे 100 रुपये था, मैंने उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर 200 रुपये दिला जी। मैंने कहा जबकि गवर्नमेंट की मिनिमम वेजेस 100 रुपये ही, हम 200 देंगे क्योंकि इनका हमने ये, तो हमें इनको अपनाना है क्योंकि इनको इनके साथ गलत होगा, सिमिलरली हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ हुआ, तो गवर्नमेंट इस लाइन पे सोचना चाहिए कि अगर वहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी में जो हमारा ब्रदर है अगर उसको 1000 मिल रहा है, इनको 2000 देना चाहिए, क्योंकि एक एक इंसेंटिव है, एक तो ये बेचारे सफरर है, सेकेंडली इनको इनको इस तरीके से यूथ को अट्रैक्ट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को इस लाइन पे सोचना चाहिए, इसमें उनका कोई गेन, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत गवर्नमेंट को इसको, जो हमारे यूथ वहां पर है, एक तो वो रिस्क लेके जा रहे हैं, एक फेयर लेके जा रहे हैं, उनके माँ बाप बेचारे जो जम्मू में है वो परेशान है, तो उनको रिहेबिलिटेशन में मैं कह रहा हूँ कि उनको इंक्रीमेंट देके 8-10 इंक्रीमेंट देके उनको अच्छा पैकेज देके बनाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी अटमोस्ट इम्पोर्टेंस उनकी होनी चाहिए, दैट इज माई। शिवन जी आपने बहुत बहुत सही बात बोली, मुझे लगता है पहली बार ऐसी बात सामने आई है कि उनको और इंसेंटिव्स देके भेजा जाए, ना कि उनके जो है वो भी कम कर दिया जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप सब जानते हैं कि जैसे शुभन जी वोमेद के एडवाइजर हैं, और आपको क्यों ऐसा लगता, आपके राय में क्या है, क्यों ऐसा है कि जैसे वोमेद जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए? मैं आपको पहले इनिशियली यही बताया है कि देखो कि आप इसलिए जरूरी है कि किसी न किसी को किसी न किसी स्टेज पे बिगिनिंग स्टार्ट करनी है, और जो बिगिनिंग स्टार्ट करता है
वो थोड़ा बहुत सफरर होता है, एंड में वो बड़ा उसको मानते हैं, लेकिन बिगिनिंग में वो सफरर होता है। तो इसलिए मैंने उम्मीद में वो किरण देखी है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जब कश्मीर में इतने हालात ठीक नहीं थे, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज थे, जब यूपी नहीं बनी थी, तब से आप लोगों ने एक एफर्ट किया है। और मैं देख रहा था कि जैसे आप लोगों ने एक ये किया था, प्ले किया था टैगोर थिएटर में, शायद जहां तक मुझे याद है, जी जी टैगोर थिएटर में किया था। आप लोगों की ऑडियंस कौन थी? 99% तो मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग थे। तो कितना आपको सराहा है, किसी ने आपको वोटिंग नहीं की। सो दैट मीन जब मेजोरिटी कम्युनिटी वहां बैठी थी, वो वेलकम किया है उन्होंने, तो दैट मीन एक इनहेरिट, एक छुपा हुआ एक सच है उनके भी दिल में, वो भी चाहते हैं यही। अब वो ये हु विल बेल द कैट, वो एक इंग्लिश फ्रेज है ना, हु विल बेल द कैट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपका होना, ऐसे ही और ग्रुप्स का, बहुत सारे ग्रुप्स निकले हैं अब जम्मू में भी, मैंने सुना ऐसा, वो बहुत जरूरी है इस स्टेज पे। अदरवाइज ये अधूरा रह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ रोहित जी, ये अधूरा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने आपको ज्यादा कम्युनिकेशन जो इस वक्त है, मीडिया है, इट इज द मेन पिलर जो बता सकता है, इंडिविजुअली कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप लोगों को इसकी पहल लेनी पड़ेगी, और मैं आपको बार बार ये चीज बताना पड़ रहा हूं, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा इस स्टेज पे, लेकिन उसका जो अंत जो होगा, देन एक फिर हिस्ट्री क्रिएट कर लोगे कि यस देवर, और पीपल आपको वॉच कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपको वॉच कर रहे हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग भी आपको वॉच कर रहे हैं, एंड एक जो अच्छा एक तबका जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी यहाँ पे, वो भी आपको देख वॉच कर रहा है कि भाई देख रहा है। ऐसा नहीं है कि दैट यू आर इन आइसोलेटेड या आप आइसोलेशन में काम करो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को एक एनकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको गवर्नमेंट से कोई इस काम के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कोई इंसेंटिव आपको चाहे कि जो जरूरी है, तो आप बता दें कि मेरा जो भी थोड़ा बहुत, अब रिटायर हो, थोड़ा बहुत भी जो मेरा कुछ लोग जानते हैं अभी भी दिल्ली में, आई विल फॉरवर्ड योर केस बिकॉज इट इज एसेंशियल, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। आप अगर एनिमिटी फैलाओगे, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, किसी का ये नहीं है। आप देखो हर, आप देखो कोई भी नेशन जो है उसको फिर से बनाना है, फिर से बनाना है, आप देख ही रहे, और उसमें आपका योगदान जो है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत जरूरी है। और मैं राकेश को, आपको तो मैंने कम देखा है, सॉरी टू से, लेकिन राकेश को मैंने देखा है काम करते हुए, कितने वो मेहनत से वो काम करता है, और उसका जो परसेप्शन है टुवर्ड्स सीइंग द थिंग्स, कि जो एक लॉन्ग रन है, परसेप्शन छोटा नहीं होता कि जो आज मैंने लिया है कि नहीं, जो एक लॉन्ग रन है जिसको एवरलास्टिंग कहते हैं, कि वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उम्मीद का होना, और मैं हर बार देखता हूँ आपको, आप उन पर्सनैलिटीज को लेना चाहते हैं जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं, और वो बहुत ही जरूरी है। और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तो मैंने पर्सनली के, आप मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, आप इंडिया के हर कैपिटल्स में जाके इस चीज को बढ़ाओ, और कोई ना कोई आपको जरूर हमारे, जैसे बॉम्बे में मैं ओपनली बता रहा हूँ, यहाँ की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, हमारा जो शारदा सदन है, हमारे जो लोग हैं, राजन कोल है, हमारा जो है अश्विनी भट्ट है, वो अनंतनाग के है, हम मैं हूँ, जो आपको बहुत एक अच्छा एक मिलेगा। आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ के लोग आपको बहुत वेलकम कर लेंगे। मैं सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के जो महाराष्ट्रियंस कौम है वो वेलकम करेंगे आपको, तो उससे बढ़ेगा। अदरवाइज इस वक्त इंडिया में एक ही रट लगाई गई है कि एक ओपन हो जाएगा कि बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ है। देखो बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि जिसमें सच्चाई है कि वी हैव बीन थ्रोन आउट, अब उसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी वो अब थोड़ा थोड़ा मानने लगी है। अब वेदर दैट टाइम इट वॉज ए फेयर ऑफ ए गन, और मुझे जहां तक लग रहा है कि विलिंगली, जिसको कहते हैं ना खुशी से, मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा है कि मेजॉरिटी विलिंगली ये नहीं चाहते थे कि भाई, लेकिन एक फेयर एलिमेंट उनके, आप एक फैमिली में, मैंने सुना है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, एक फैमिली में जो यूथ था, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया गया था, एक यूथ ने अपने ही फादर को बताया कि दैट इफ यू विल कम इन माई वे आई विल शूट यू इन फ्रंट ऑफ यूर। तो क्या करता, देखो ये उस वक्त एक ऐसा, अब उनको इस वक्त वो ओपनली क्यों आने लगे, मैं आपको बताऊं, आप तो 10-12 साल से ये कुछ
इस वक्त ओपनली अब ये आ रहे हैं कि गवर्नमेंट भी अब सीरियस होने लगी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो वहां पर है एक सिक्योरिटी एलिमेंट आने लगा है और आप लोग आने लगे नाउ दे हैव स्टार्ट कमिंग। अभी मैं अगेन आपको थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ब्रिजलाल बड़का प्लीज देखना, अगर देखना नहीं जी जी इतना अच्छा रेस्पॉन्स आ गया सबका, ओपन रेस्पॉन्स आ गया हमारे में तो 5% जो उनकी तरफ से 90% लोगों का रेस्पॉन्स आ गया, प्लीज कम ओपन दिस थिंग। आज ही हमारी शीला जी हुंडू का एक रिपोर्ट आया है, इसमें कैसे वेलकम किया, शी इज ऑल्सो दियर। तो मुझे लग रहा है इस अपॉर्चुनिटी को हमें खोना नहीं चाहिए। अब सिर्फ एक बात रह गई है कि जो आपने मुझे पूछी, जो मैं वॉलंटियर नहीं कहना चाहता, वो है कि अगर रिहेबिलिटेशन घर वापसी की, देखो तो एक चीज जरूरी है, वो है कि हमें कलश जो है वो इसलिए नहीं कि हम अलग रहना चाहते हैं, वो इसलिए उसको उस नैरो विजन से नहीं देखना चाहते, हम अलग रहना चाहते हैं, वो कई सालों तक हमें एक सेपरेट क्लस्टर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है कि हम फिर, क्योंकि उसमें फेयर है ना, दिमाग में फेयर है, अंदर फेयर है, कोई नहीं जाएगा, वो रात को उठेंगे ड्रीम्स आएंगे कि कोई आए, जब तक वो धीरे धीरे वो निकलेगा देन दे विल मिस अप विद मेजॉरिटी कमिटी। तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट को ये सीखना चाहिए कि कोई एरिया कारो आउट करके निकाल के हमें अलग बसाना चाहिए, फिर धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे एंड वी विल बी अगेन लिविंग द वे वी आवर फोर फादर्स और टिल हम 80s तक इकट्ठे रहते थे, एंड दैट दे विल डेफिनेटली कम, मुझे इसमें कोई शक, वेदर वी विल बी अलाइव और नॉट, बट दे विल डेफिनेटली कम। शिवन जी, आपका जो अवार्ड्स को लेके हम बात करेंगे कि आपको बेस्ट सिटीजन अवार्ड नवी मुंबई की तरफ से मिला है और साथ साथ में आपको ऑनर भी किया गया है लेट श्री आर आर पाटिल जी के द्वारा, फॉर्मर जो होम मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइए। सी मैं, हाँ, ये आर आर पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, although he is no more, God give him peace. तो क्या होता था कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि that हमारे पोर्ट में एक बड़ा होस्टाइल एटमॉस्फेयर होता था, ये समझो कि महीने में 3 दिन स्ट्राइक्स होते थे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं था, मेरा जॉब था कि 14 विलेजेस को रिहेबिलिटेट भी करना कि वहाँ के लोगों को, तो हर दिन एक कॉमन सा, हर दिन स्ट्राइक, हर दिन मोर्चा, हर दिन, तो हमें हर वक्त जो रिजर्व पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ता था स्टेट पुलिस। तो मैंने क्या देखा कि ये पुलिस वाले बेचारे आते थे 3 दिन पहले, 4 दिन, इनका मैंने देखा कि इनका जो जो इनको गवर्नमेंट से फैसिलिटीज मिलती थी वो इतना कंड्यूसिव नहीं था, हमारे पास भी इतने फैसिलिटीज नहीं होते थे के रहने के या उनका, लेकिन इनको ड्यूटी करनी पड़ती थी, जैसे आपको पता है कि पुलिस फोर्स एक ऐसा पुलिस फोर्स होता है। तो मैंने देखा इनका, मैंने कहा ये तो सही, तो मैंने क्या किया, और जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं बार बार ये चीज बताया, गवर्नमेंट कोई नहीं, गवर्नमेंट हमसे, वो कहते हैं ना दिस इज इंग्लिश, गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड दिस थिंग, गवर्नमेंट हम है, गवर्नमेंट कोई नहीं। मैंने अपने कैरियर में एक चीज देखा है कि दैट गवर्नमेंट कभी नाम नहीं कहती है, बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं कि जो पीपल्स वेलफेयर के लिए, लेकिन इसको इसको इंप्लीमेंट करना जो बाबू बैठता है उसके। तो मैंने देखा ये पुलिस वाले बेचारे, कोई बेचारा सतारा से आता था, कोई नासिक से आता था, कोई, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये हर बार आते, तो मैंने एक सबसे पहले काम किया, एक छोटा सा पुलिस स्टेशन था नवाशिवास पुलिस, उसमें बैठते थे, मैंने कहा बेचारे कितने लोग, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड से, जो हमारा जिसका मैं खुद सेक्रेटरी था, मैंने बोर्ड से एक अप्रूवल है, एक बहुत बड़ा लैंड जो हमारा कम से कम 6 हेक्टर्स का लैंड मैंने लिया और उसमें मैंने बोर्ड से सैंक्शन लिया 3 करोड़ रुपए का, मैंने सबसे पहले इनका पुलिस स्टेशन बनाया जिसमें हर फैसिलिटीज मैंने रखी, एक तो मैंने क्वार्टर्स रखवा दिए, इनका बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया, फुटबॉल कोर्ट बनवा दिया, पानी की सुविधा बनाई, एक अच्छा जिस तरह वो बैठे इनका, ये एक तो ये होगा। दूसरा मैंने क्या कर दिया कि इनका मैंने जो पुलिस फोर्स का था मैंने बुलाया, मैं यहाँ नई बॉम्बे पुलिस कमिश्नर था केएल प्रसाद, मैं उनको मिला, मैंने कहा सर इनका इमीडिएट नीड आप लोगों को क्या है कि जो सबसे गरीब कौन होता है कॉन्स्टेबल, इनका सबसे, उन्होंने कहा कि इनका सबसे बेटर रहने का है, हमारे पास एक सीएसआर फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है हमारे पास। तो मैंने फिर गवर्नमेंट, वो हमारे पावर में नहीं था ना बोर्ड के, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो सैंक्शन लिया, मैंने इनके क्वार्टर्स बना दिए 2
कि जो दूर से आते थे बेचारे जिनको मिलता, क्योंकि पूल में गवर्नमेंट पूल में रहते हुए उनको बहुत टाइम लगता था क्वार्टर में। मैंने इनके लिए नई बॉम्बे के लिए क्वार्टर्स बना दें अपने खर्चे से, और मेंटेनेंस भी जैसे मैंने पहले आपको बताया वो जो कॉपरेटिव सोसाइटी उनको दे दिया। एक तो उनको इनकम होने लगी डेली, और उससे ये मैसेज मिल गई स्टेट गवर्नमेंट, नेचुरली मैंने तो नहीं बताया कोई, ये तो मुझे लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पर आर आर पाटिल साहब बहुत खुश है, देन दे हैव गिवन मी द बेस्ट सिटीजन अवार्ड ऑफ द नई बॉम्बे। जी जी, तो वो अभी भी मेरे लिए बहुत एक अच्छा प्रेस्टीजियस अवार्ड, और वो भी जो है पाटिल स्टेडियम है, कम से कम उसमें 2,500 लोग थे महाराष्ट्र के, सबके सामने मुझे वो अवार्ड मिले, और जिसमें कुछ कैश अवार्ड भी था, बट एज पर रूल दैट वाज टू बी डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट एक्सचेंज में, बट अवार्ड मुझे अपने पास है वो अभी भी। जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी और पूरी कम्युनिटी की कि आपने इतना अच्छा काम किया है, और साथ साथ में रिकग्निशन भी मिली है आपके काम को। इसी तरह आपने जो कुछ पॉइंट बोले बहुत ही वैलिड पॉइंट है, जिनमें आपने मेंशन किया कि दोनों तरफ से अब पहल हुई है या होनी चाहिए और भी आगे, अदरवाइज जो खटास है वो मिटेगी नहीं, और सिचुएशन राइट तो वो सिचुएशन कभी सुधरेगी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना समय दिया और आज टीआरएन पे आए, और उम्मीद करते हैं फिर से आप टीआरएन पे आएंगे।